प्रश्न दिया गया है कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता पुच्छ आने की प्रायिकता का 3 गुना है। इसे 2 बार उछाला जाता है तब शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ये कि जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कि एक सिक्के के उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, मान लेते हैं कि ये पी ऑफ एच है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, पुच आने की प्रायिकता मतलब टेल, पुच आने की प्रायिकता पी टी से 3 गुना है। इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसको अगर मैं इसको पी से रिप्लेस कर दूं और इसको क्यू से रिप्लेस कर दूं तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है कि दोनों प्रायिकताओं का योगफल 1 होगा। और पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों का योग भी 1 होगा। सो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सो पी का मान क्या है, 3 क्यू, यहाँ से पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 1। सॉल्व करने पर मिल जाएगा 4 क्यू इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 1/4। क्यू का मान आपको 1/4 यहाँ से मिल गया। पहला समीकरण मान लेते हैं कि ये दूसरा समीकरण है, क्यू का मान मिल गया है तो अब पी का मान मिल जाएगा, 3 × q, दिस इज 3 × 1/4। सो पी का मान आपको मिल गया 3/4, पी का मान मिल गया है, क्यू का मान मिल गया है। अब चूंकि सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, चूंकि सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है अतः n इक्वल टू 2 हो जाएगा। प्रायिकता बंटन जो है, थोड़ी देर पहले हमने जो सिद्धांत पढ़ा है उसके अनुसार क्या होगा, q प्लस p इसका पावर n, मतलब 3/4 प्लस 1/4 होल पावर 2। और इसमें यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर जो x है यह 0, 1, 2, अधिकतम मान n है तो यहाँ पर 0, 1, 2 यह मान यह ग्रहण कर सकता है। तो इसके लिए हम प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे, जब x का मान 0 है तब p ऑफ x ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो एन सी आर जो हम फार्मूला लगाते हैं कोफिशेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, कि p प्लस q प्लस p होल पावर n में प्रायिकता बंटन में x इक्वल टू r के संगत प्रायिकता अगर हमको निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू r, ये होता है n c r q का पावर n माइनस r और p का पावर r। अर्जेंट है क्या, कुछ बोलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 5 मिनट फोन करता हूँ। इसके उपयोग से हम इसको सरल करेंगे तो एन सी आर, एन का मतलब है यहाँ पे 2 c r, दैट इज 0, तो हो जाएगा 2 c 0। क्यू का पावर 2 − 0, सो क्यू का पावर 2 − 0 और पी का पावर 0, तो ये हो जाएगा 2 c 0। 1/2 का जो पावर है, क्यू का मान है यहाँ पर 1/4 है, ये क्यू का मान है तो 1/4 इसका पावर 2 हो जाएगा और पी का पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो 3/4 का पावर 0
ये आपको मिल जाएगा 1 और ये मिल जाएगा 1/16, तो अल्टीमेटली ये आपको मिल रहा है 1/16। तो इसमें हमें दूसरा मान ज्ञात करना है पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए। तो जो फार्मूला है एन सी आर क्यू का पावर एन माइनस आर पी का पावर आर, उसका उपयोग करेंगे तो ये मिल जाएगा 2C1 क्यू का पावर 2-1 और पी का पावर 1। तो ये हो जाएगा 2/1 क्यू, क्यू की जो वैल्यू आपको मिल गई है 1/4, तो ये तो 1 रहेगा, और पी का पावर 1, तो पी का पावर मतलब 3/4, तो मिल जाएगा 6/16। इसी तरीके से हमें तीसरा मान याद करना है एक्स इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 2C2 क्यू का पावर 2-2 और पी का पावर 2। सो 2C2 दैट विल बी इक्वल टू 1, और ये भी आपको 1 मिल जाएगा। पी का पावर 2 का मतलब है 3/4 का पावर 2, ये आपको मिल जाएगा 9/16। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना सकते हैं जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। एक्स का मान जब 0 है तब ये आपको मिला है 1/16, जब एक्स का मान 1 है तो आपको मिला है 6/16, और जब एक्स का मान 2 है तब आपको मिला है 9/16। तो 9 और 6 और 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 16, 16 और 16/16 मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से ये जो प्रायिकता बंटन सारणी जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ये हमारा उत्तर है। तो प्रश्न दिया गया है कि बैग ए में 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदे और बैग बी में 4 सफ़ेद और 5 लाल गेंदे हैं। इन बैगों में से एक गेंद चुनी जानी है तो वह लाल पाई जाती है। बैग बी से निकाली एक गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेज का जो प्रमेय है उसका उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बैग की बात की गई है कि बैग ए है, इसमें 2 वाइट है और रेड की बात की जाए तो 3 रेड है। इसी तरीके से बैग बी है, इसमें 4 वाइट बॉल है और 5 रेड बॉल हैं। तो बैग बी से निकली गेंद रेड होगी, या इनमें से गेंद चुनी जाती है वह लाल है और वह बी बैग से ली गई है, ये हमें ज्ञात करना है इसकी प्रायिकता। तो इसके लिए हम कुछ अनोटेशन यूज़ करते हैं कि माना E1 जो है यह बैग ए से चुने जाने की घटना है, और E2 जो है यह बैग बी से चुने जाने की घटना है। और इसमें हम देखते हैं E जो है यह लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता है, और हमको क्या चाहिए कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि रेड हो और वो बी बैग से निकाला जाए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ E2/E, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बेज का जो सूत्र, बेज के प्रमेय का जो सूत्र है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसको अगर लिखा जाए सूत्र को, तो आप लिखेंगे पी ऑफ E/E2 × P(E)(2), और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यहाँ पर यूज होता है E/E1 × P(E)(1) + P(E)/E2 × P(E)(2). ये हम प्रयोग करेंगे। तो ये P(E)/2, P(E)/2, P(E)/1 ये सब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान करके चलते हैं कि ये हमारा सूत्र है जिसे हमने समीकरण 1 नाम दे रखा है। तो बात करते हैं कि चूंकि 2 बैग है अतः ए के चुने जाने की प्रायिकता ये होगी 1/2। 2 बैग है, 2 में से 1 का सिलेक्शन किया जाएगा और वह ए होगा, ये आपको मिल जाएगा 1/2।
इसी तरीके से B के चुने जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो ये भी हो जाएगा 1/2, इक्वली लाइकली इवेंट है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि बैग ए में दो सफ़ेद और तीन लाल गेंदे हैं। तो एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को हम लिखेंगे P ऑफ E बाई E1। देखिए E क्या है, लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता, और E1 जो है वह बैग A से चुने जाने की घटना है। तो इस प्रकार ये पहली बात है कि बैग ए में जो तीन लाल है उसमें से सिलेक्शन किया जा रहा है, या लाल गेंद, और वो कहाँ से होगा, बैग ए से होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने बॉल हैं, तीन और दो पाँच, फेवरेबल सफ़ेद, फेवरेबल कौन सा होगा, लाल होगा, क्योंकि लाल गेंद पूछा गया, तो तीन इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्नानुसार बैग बी में चार सफेद व पांच लाल गेंदे हैं, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कहाँ से, दूसरे वाले बैग से, तो इसे हम लिखेंगे P ऑफ E बाई E2। चार और पाँच नौ, फेवरेबल केस कितना है पाँच, तो ये हो जाएगा 5/9। तो देखिए कि हमने यहाँ पर P ऑफ E बाई E1 ये कैलकुलेट कर लिया है, P ऑफ E बाई E2 कैलकुलेट कर लिया है, अब P ऑफ E1 और P ऑफ E2 ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि ये आपका 1/2 और ये 1/2 आपको मिला है। अब क्या करते हैं, इन सभी मानों को इस समीकरण में या इस सूत्र में रख देते हैं तो आपको वह मान मिल जाएगा। तो चलिए यह मान मैं यहीं पर रख रहा हूं, P ऑफ E बाई E2 यह है आपका 5/9, और P ऑफ E2 ये जो P ऑफ E1 ये है, P ऑफ E2 ये है 1/2, और P ऑफ E बाई E1 ये वाला मान, तो ये 3/5 और ये आपका 1/2, धन P ऑफ E बाई E2 ये वाला मान 5/9 और ये 1/2। इसको सरल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा, और ये 3/10 हो जाएगा, और ये 5/18 हो जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी हो गया आपका 5/18। इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम होगा ये 180, 18 * 54 और ये 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/18 और ये 180 जो है ये अंश में चला जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 94। तो ये 18 * 180 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 50 और ये मिल जाएगा 94। इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 25 और ये
इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 104, 18 दहम 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये 104, इसको भाग देंगे तो 25 और इसको भाग देंगे तो 52। तो हमें जो पूछा गया था पी ऑफ ई टू बाई ई, ये आपको मिल गया 25/52, यही जो उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। सैद्धांतिक बारंबारता बंटन या थियोरेटिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये थियोरेटिकल अप्रोच है, सिद्धांत के अनुसार कुछ पूर्व निर्धारित विधियां होती है, गणितीय विधियां, जिसका कि उपयोग करके हम बारंबारता बंटन तैयार करते हैं। तो इसे देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। हम लिखेंगे कि यदि बारंबारता बंटन प्रयोगों या वास्तविक आकलनों के आधार पर न होकर पूर्व से निर्धारित मान्यताओं के आधार पर गणितीय विधियों द्वारा प्राप्त होता है, तो ऐसी बारंबारता को हम सैद्धांतिक बारंबारता बंटन कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है बाइनोमियल या द्विपद बंटन, और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रसामान्य बंटन। अब इसमें एक प्रकार का बर्नौली ट्रायल, ये एक वर्ड आता है, तो देखते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल क्या होता है। बर्नौली ट्रायल या बर्नौली परख, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोगों के परिणामों को केवल दो परस्पर अपवर्जी तथा निःशेषी घटनाओं या सफलता या असफलता के रूप में ही दर्शाया जाए, तो ऐसे प्रयोगों को बर्नौली परख कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम सिक्कों को, दो सिक्कों को हम टॉस करते हैं और हेड आने को यदि सफलता मानी जाती है और टेल आने को असफलता माना जाता है, और उसके लिए यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो ट्रायल है इसे हम बर्नौली ट्रायल कहते हैं। अब बात करते हैं द्विपद बंटन की या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक ट्रायल में सफलता की प्रायिकता अगर पी है तो असफलता की प्रायिकता क्यू होगी। अगर हम ऐसा मान के चलें तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 - p, और यदि परखों की संख्या या ट्रायल की जो संख्या है वह n है, तो क्रमशः 0, 1, 2, 3 इस तरीके से n सफलताओं की जो प्रायिकता होगी उसे हम लिखेंगे q+p whole power n के द्विपद प्रसार के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अप टू n+1वें पद से दी जाती है। तो इसमें कुछ मान्यताएं हैं। तो मान्यता में पहली मान्यता ये कि कोई ट्रायल या कोई परख या तो घटना की सफलता में या असफलता में परिमित होती है। दूसरा कि सभी परख परस्पर अपवर्जी व स्वतंत्र होते हैं, दोनों का जो जो इवेंट होगा वो म्यूचुअली, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा और दोनों का यूनियन जो होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तीसरी बात ये कि सफलता की प्रायिकता प्रत्येक परख में अचर होती है, तो जो सफलता की जो प्रायिकता हमें निकल करके सामने आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा। तो n परखों के यादृच्छिक प्रयोग को जो हमने अभी मान्यता डिस्कस करी है उसके आधार पर यदि किया जाता है, जिससे सफलता की प्रायिकता अगर p है और असफलता की प्रायिकता q है, तो जिससे हम लिख पाएंगे कि p+q = 1, क्योंकि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल एक होता है। यहां हम n परखों को या ट्रायल्स में हम असफलताओं की संख्या को 0, 1, 2, 3 up to n, यह हो सकती है, n तक हो सकती है, और हमें r सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो r अगर सफलता है तो शेष n-r जो होगी असफलता हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम मिश्र प्रायिकता के सिद्धांत से यह लिख सकते हैं कि r सफलताओं की प्रायिकता ये होगी p⁻r, और n-r असफलताओं की प्रायिकता जो होगी ये होगी q⁻n-r। तो आपने कॉम्बिनेशन संचय सिद्धांत पढ़ा हुआ है, तो उसका कि हम यहां पर उपयोग करेंगे। n परखों में से या n ट्रायल्स में से कोई r सफलताएं, तो ये होगी ncr तरीके से प्राप्त की जा सकती है, और इसी प्रकार n परखों में से किसी भी में r सफलताओं तथा n-r
असफलताओं की प्रायिकता बंटन जो अगर हमें निकालनी होगी तो हम लिखेंगे एन सी आर, पी का पावर आर और क्यू का पावर एन माइनस आर। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एन सी आर, क्यू का पावर एन माइनस आर और पी का पावर आर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद प्रमेय में आपने देखा था कि एक्स प्लस ए का पावर एन, इसका जो जनरल टर्म होता है उसको हम लिखते हैं टी आर प्लस वन एथ टर्म, दैट इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स का पावर एन माइनस आर और ए का पावर आर। तो ये उसी सिद्धांत से ये निकल करके सामने आता है। हमने यहाँ पर सफलता के लिए पी और असफलता के लिए क्यू ऐसी प्रायिकता निश्चित की है, तो इसलिए हम उसको पी और क्यू के टर्म में लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम एक बारंबारता बंटन अगर तैयार करें तो दो कॉलम बनेंगे जिसमें आएगा एक में एक्स आई और दूसरे में पी आई। तो जब एक्स आई जीरो होगा तो उसके लिए जो कोफिशियंट होगा, जो गुणांक होगा, वो क्यू का पावर एन होगा, और जब एक्स आई की जो वैल्यू अगर वो वन होगी तो हमारे लिए जो वहां पर कॉन्स्टेंट या कोफिशियंट मिलेगा वो होगा एन सी वन, क्यू का पावर एन माइनस वन और पी। इसी तरीके से अगर टू के लिए हम देखें तो हमें मिल जाएगा एन सी टू, क्यू का पावर एन माइनस टू और पी का पावर टू, और अंत में अगर एन ले तो पी का पावर एन हमें मिल जाएगा। तो यहां पर पी क्यू और एन द्विपद बंटन के जो प्राचल हैं, ये जो दिख रहा है ये पी एन पी और क्यू जो है ये द्विपद बंटन के पैरामीटर कहलाते हैं, क्योंकि इसी पर ये वेरी कर रहा है। और जो स्विस एक मैथमेटिशियन हुए थे जेम्स बर्नौली, ये थ्योरी उन्होंने दी थी। प्रश्न दिया गया है कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम शीर्ष आने की प्रायिकता को पी लेते हैं और शीर्ष ना आना मतलब टेल पुछ आने की जो प्रायिकता है उसे हम क्यू लेकर के चलते हैं। तो सरल करते हैं, सिक्के के उछाल में शीर्ष अर्थात हेड आने की जो प्रायिकता है ये होगा पी, और गेटिंग हेड और सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या तो आपको मिल जाएगा 1/2। इसी तरीके से पुच या टेल आने की जो प्रायिकता है इसे हम लिखते हैं क्यू, एन ऑफ टी बाई एन ऑफ एस, ये भी आपको मिल जाएगा 1/2। चूँकि सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो इसलिए n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमें प्रायिकता बंटन निकालनी है, प्रायिकता बंटन तो q प्लस पी होल पावर यहाँ पर n, तो q दैट इज 1/2, p दैट इज 1/2 होल पावर 5। अब हमें क्या बोला गया है कि कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो p जो हमें कैलकुलेट करना है वो होगा ये। अब तीनों के जो गुणांक है वो हमें ज्ञात करने हैं और मान यहाँ पर रखना है। तो n की वैल्यू है 5, जाएगा 5c3, q का पावर 5-3, p का पावर 3, प्लस 5c4, q का पावर 5-4 और p का पावर 4, 5c5, q का पावर 5-5 और p का पावर 5, ये हमें रखना है। तो ये हो जाएगा 5c2 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से, और q का पावर 2, q मतलब 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 3, ये हो जाएगा 5c1, q का पावर 1 मतलब 1/2 का पावर 1 और 1/2 का पावर 4, 5c5 ये आपको मिल जाएगा, ये 5c0 के इक्वल हो जाएगा ये, और q का पावर 0 दैट इज 1 और p का पावर 5 है तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1/2 का पावर यहाँ पर 3+2 5, 4+1 5 और यहाँ पर 5, तो 1/2 होल पावर 5
और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, ये 5 बाई 1, और ये आपको मिल जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई 2 होल पावर 5, और 5 दूनी 10, और ये 5 15, तो यहाँ पर ये योग में आएगा और ये हो जाएगा 16। तो 16/32, 2 का घात 5 होता है 32, सरल करने पर मिल जाएगा 1/2, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। प्रश्न है कि दो रिक्त स्थानों के लिए राम व श्याम दो उम्मीदवार हैं। राम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 तथा श्याम के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, कोई एक चुना जाए। दूसरा प्रश्न, कोई भी चुना ना जाए। तीसरा, कम से कम एक चुना जाए। और चौथा, दोनों चुने जाए। तो पहले जो दो प्रायिकता दी गई है वो लिख लेते हैं। राम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है, तो लिखते हैं पी ऑफ ए, ये 1/3। दूसरा है श्याम के चुने जाने की प्रायिकता, ये भी दिया है, श्याम के चुने जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। अब प्रश्न का पहला भाग कि कोई एक चुना जाए, कोई एक चुना जाए, तो इस स्थिति में ये होगा कि जब राम चुना जाएगा तब श्याम नहीं चुना जाएगा, और जब श्याम चुना जाएगा तो राम नहीं चुना जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार, ए चुना जा रहा है बी नहीं चुना जा रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, ए नहीं चुना जा रहा है बी चुना जा रहा है, जिसमें बार लगा है वो नहीं चुना जा रहा है, जिसमें बार नहीं लगा है वो चुना जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ बी बार कैसे निकालेंगे, 1 - पी ऑफ बी ऐसा लिख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पी ऑफ ए है 1/3, पी ऑफ बी बार तो 1 - 1/5। देखो, किसी के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता और ना चुने जाने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होगा। तब जब नहीं चुने जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालना है तो 1 से घटा देंगे चुने जाने की प्रायिकता को। तो इसी तरीके से पी ऑफ ए बार निकालना है तो ये 1 - 1/3 हो जाएगा और पी बाई बी 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/3 और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया 4/15 और ये हो गया 2/15, 6/15। सरल करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तो ये मिल जाएगा आपको 2/5। इसका दूसरा भाग है कि कोई भी चुना ना जाए, कोई भी चुना ना जाए। अब एक को भी नहीं चुनना है तो ये मिल जाएगा पी ऑफ ए बार बी बार, दैट मीन्स पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, तो मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं 1 - पी ऑफ बी। तो 1 - पी ऑफ ए ये 1/3 और दूसरा 1 - 1/5, तो ये मिल जाएगा 2/3, ये मिल जाएगा 4/5, तो मिल जाएगा 8/15। इसका तीसरा भाग है कि कम से कम एक चुना जाए, कम से कम एक चुना जाए। तो इस अवस्था में हम क्या लिखेंगे कि इसमें ए चुना जा रहा है, इसमें बी चुना जा रहा है, और इसमें दोनों चुने जा रहे हैं। तो
इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी है 1/5, इसको 1 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 - 1/3 दैट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो मिल जाएगा 4/15 पहले वाले का, दूसरा 2/15 और तीसरा वाला 1/15, तो 4 और 2 6 और 1 7, 7/15 ये हमें मिल जाएगा। और इसमें चौथा पूछा है कि दोनों चुने जाएं, दोनों चुने जाएं, तो ये हम लिखेंगे पी ऑफ ए बी, मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 × 1/5 तो मिल जाएगा 1/15, और यही 4 प्रायिकता हमें निकालने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, दूसरे थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के तथा 3 50 पैसे के सिक्के हैं, किसी एक थैले से सिक्का गिर पड़ता है, यह 5 रुपए का सिक्का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये हम ज्ञात करेंगे कि पहले सिक्के के गिरने पर, पहले थैले में से अगर कोई एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर यही काम हम दूसरे थैले के लिए करेंगे कि दूसरे थैले से 5 रुपए के सिक्के गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और फिर हम देखेंगे कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और उसके बाद हम अभीष्ट प्रायिकता निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, अब पहले थैले से एक सिक्के गिरने पर उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, तो ये 5/9 मिल जाएगा कि पहले थैले से यदि एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी प्रकार दूसरे थैले से, अब हम दूसरे थैले की बात करते हैं, दूसरे थैले में क्या क्या है, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। इसी प्रकार अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि दूसरे थैले से एक सिक्का गिरने पर उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता तो कुल कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के, 5 रुपए कितने सिक्के हैं 5, तो ये आपको मिल गया 5/8। अब दोनों थैलों में से किसी एक से सिक्का गिरेगा तो दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्के गिरने की जो प्रायिकता है तो ये हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो थैले हैं तो किसी में से एक से गिरना है, तो
एक बटे दो ये प्रायिकता हो गई। और हमें जो प्रायिकता पूछी गई है कि दोनों में से, दोनों थैलों में से अगर कोई सिक्का गिरता है तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या है, तो ये हो जाएगा 1/2, पहला वाला थैला सेलेक्ट किया गया है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी तरीके से दूसरा थैला है वो उसका सिलेक्शन होता है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। दोनों के दोनों जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं आप ऐसा कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/18 और ये हो जाएगा 5/16। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, मिल जाएगा 144 और ये होगा 40 और ये होगा 45 और सरल जब करेंगे तो मिल जाएगा 85/144। तो ये वो प्रायिकता है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न ये है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच्छ या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि, पहला प्रश्न, उनमें से एक सिक्का में पुच्छ आता है, दूसरा प्रश्न, उनमें से 2 सिक्कों में पुच्छ आता है और तीसरा प्रश्न, कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष या हेड आता है। यह हमें निकालना है। और प्रश्न का चौथा भाग है, अधिक से अधिक एक सिक्का में से हेड या शीर्ष आता है। तो पहली बात यह कि 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं या 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, अतः प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस S, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 × 2 × 2 तो कुल मिलाकर के 8 ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो पहली बार हम ये करते हैं कि आधे में हम हेड ले लेते हैं, 4 हेड और 4 टेल, क्योंकि 8 है तो आधे में हेड आधे में टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, उसके बाद 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल। ये इस तरीके से ये हमने प्रतिदर्श समष्टि लिख लिया। प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि उनमें से 1 सिक्के में पुच्छ आता है। तो हम पहला प्रश्न सरल कर रहे हैं कि हमें प्रत्येक में पुच्छ या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यदि उनमें से 1 सिक्के में पुच्छ आता है या टेल आता है। तो यदि हम ए को लिखें, प्रत्येक में पुच्छ आना आने की घटना, प्रत्येक में पुच्छ आने की घटना मतलब टेल टेल टेल, यही ये जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है टी टी टी, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सेट ए की जो कार्डिनालिटी है ये 1 हुई। अब उसका जो दूसरा पार्ट था कि उनमें से 1 सिक्के में पुच्छ आता है, तो उसको हम सेट बी लेकर के चलते हैं, उनमें से 1 में पुच्छ आता है। तो 1 में पुच्छ कहाँ कहाँ पर है, एक तो एच एच टी, ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा है एच टी एच, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है,
कम से कम एक आना चाहिए ना, तो फिर ये एच टी टी ये तीसरा है, चौथा है टी एच एच, पांचवा है टी एच टी, छठवा है टी टी एच, सातवा है टी 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 टी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई सात, और ए इंटरसेक्शन बी में एक ही अवयव है ये टी 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 वाला, ये टी टी टी। तो इसका मतलब क्या कि इस सेट की जो कार्डिनालिटी है ये एक हो गई। और हमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता यदि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है, अभीष्ट प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बाई बी। और आपको पता है कि पी ऑफ ए बाई बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, और दूसरा कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने अवयव हैं, एक, एक बटे छत्तीस, और बी में कितने अवयव हैं, सात, सात बटे छत्तीस। सरल कर लेंगे तो मिल जाएगा एक बटे सात। तो घटना ए की प्रायिकता, जबकि घटना बी घट चुकी है, ये पी ऑफ ए बाई बी, इसी को हम कहते हैं। और ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब प्रश्न का दूसरा भाग है कि प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है। तो ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है हम उसको एज इट इज रखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न का दूसरा भाग था कि तीन सिक्कों में पुच्छ या टेल आने की प्रायिकता यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है। टेल आता है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये केस हमने सॉल्व कर लिया था कि ए, ये जो होगा टी 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 होगा, इसमें एक ही अवयव है, कार्डिनालिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन। इसका जो दूसरा भाग है इसमें लिखा है कि दो सिक्कों में पुच्छ आता है, तो टेल टेल दो आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो एक तो है एच टी टी, दूसरा है टी टी एच, तीसरा है टी एच टी, चौथा है टी टी टी। तो इस तरीके से सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई चार। अब इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में जो उभयनिष्ठ है वो अवयव एक ही है टी टी टी। तो इसका मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई वन। अब पुनः पी ऑफ ए बाई बी ये हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसको लिखा जा सकता है कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, एक, और ये एन ऑफ एस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये आता है 36। एन बाई बी ये है चार और ये है 36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4, जो कि इस दूसरे सेगमेंट का आंसर हुआ। इसमें तीसरा प्रश्न जो है वो ये कि तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आता है, साथ हेड आता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने ए कैलकुलेट कर लिया था, ये टी 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 एक ही फेवरेबल केस है, तो इस सेट की जो कार्डिनालिटी हो गई ये वन हो गई।
दूसरा बी सेट लेते हैं, कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष आना चाहिए, तो एच एच टी, इसमें दो हेड होने ही चाहिए ना, तो इसी को हम अलग अलग लोकेट करके इस तरीके से वैरायटी बना लेंगे, या इस सैंपल स्पेस से आप डायरेक्टली देख करके टिक आउट करके लिख सकते हैं, एक दो तीन चार, तो इस सेट की कार्डिनालिटी हो गई चार। और इन दोनों से हम देखते हैं कि ए और बी, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई जीरो। हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ ए बाई बी, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो ये हो गया ज़ीरो अपॉन बी, दैट इज़ 4/36, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ज़ीरो। अब इसमें एक चौथा पार्ट बच गया है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तीन सिक्कों में पूछा नहीं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो एक काम करते हैं, ये ए वाला जो केस है ये तो सेम टू सेम रहेगा, चलिए लिख लेते हैं, तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो ए दैट इज टी टी टी, और इसकी कार्डिनालिटी हो गई एक। अब ये बोला गया है कि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो मान करके चलते हैं कि वो केस बी है, और ये एक केस होगा, दूसरा ये केस होगा, तीसरा टी टी एच होगा, और चौथा टी एच टी होगा। तो एक सिक्का में शीर्ष आता है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से इसकी कार्डिनालिटी अगर हम कैलकुलेट करें, 1 2 3 4, ये आ गया 4। इन सब में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एक ही एलिमेंट है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसकी कार्डिनालिटी हो जाएगी 1। हमें जो पूछा गया है वो है पी ऑफ ए बाई बी, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 1/36 और पी बाई बी 4/36, तो दोनों से 36 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1/4। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं।